के साथ अपनी कुछ टिप शेयर करने जा रही हूँ जो मैं हमेशा से यूज़ करती हूँ। आई होप आपको मेरी सारी टिप पसंद आएँ। तो ये एसेंशन ऑयल मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया था, टी गुड का एसेंशन ऑयल है। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया भी था, अभी जो नेक्स्ट वीडियो बनाई थी आप चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इस ऑयल के मैं 3 यूज़ करती हूँ जो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो मैं हमेशा से ये 3 यूज़ ज़रूर करती हूँ। मेरी टिप नंबर 1 जो है वो ये है कि इस ऑयल को यूज़ मैं अपनी वॉशिंग मशीन में, जब भी मैं कपड़े वॉश करती हूँ तो मैं इस ऑयल की 2-3 ड्रॉप वाटर में ज़रूर अप्लाई करती हूँ। इससे मुझे अपने कपड़ों में से एक अच्छी स्मेल आती है। मेरी टिप नंबर 2 जो है वो ये है कि कभी भी मैं डस्टबिन में कूड़ा ऐसे ही नहीं डालती, मैं सबसे पहले उसमें एक न्यूज़पेपर लगाती हूँ ताकि गीला कूड़ा उसको अब्जॉर्व कर ले अगर हम गीला कूड़ा डालें तो। और इस एसेंशन ऑयल की मैं 2-3 ड्रॉप ज़रूर डालती हूँ इसमें ताकि कूड़े की स्मेल ना आए और बैक्टीरिया वगैरह ना लगें, उसके बाद ही मैं कोई पॉलीथीन का यूज़ करती हूँ। तो मेरी टिप नंबर 3 जो है वो ये है कि मैंने आपको बताया भी था, मैं मोपिंग कभी भी करती हूँ तो मैं एसेंशन ऑयल की 2-3 ड्रॉप पानी में ज़रूर अप्लाई करती हूँ और तभी मैं मोपिंग करती हूँ। और एक प्रोडक्ट और है जो मैं 2 ईयर से यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये फ्लोर क्लीनर है और हर्बल का प्रोडक्ट है ये, काफ़ी अमेजिंग है। नीम का है ये, बहुत अमेजिंग है। आप भी इसको परचेज़ कीजिए। मैं इसका एक ढक्कन पानी में ज़रूर अप्लाई करती हूँ, इससे एक अच्छी स्मेल आती है और फ्लोर आप देख सकते हैं कि कितना क्लीन है। तो मैं इसका यूज़ आप भी कीजिए। और मेरी टिप नंबर 4 जो है वो ये है कि सॉस की बॉटल में से हम सॉस निकालते हैं तो आप देखो कुछ इस तरीके का हाल हो जाता है हमारी सॉस की बॉटल का, हम ऐसे ही उसका कैप लगा देते हैं, तो ये गलत तरीका है। कभी भी चारों ओर इसके सॉस हो जाता है, कभी भी आप सॉस निकालें तो टिश्यू या न्यूज़पेपर का यूज़ कीजिए। आप इसको सॉस निकालने के बाद इसको चारों ओर इसके टिश्यू से क्लीन कर दीजिए। न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं आप, अगर टिश्यू नहीं है तो चारों ओर से क्लीन कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि टिश्यू में कितना सारा सॉस आ गया है और उसके बाद आप इस पर कैप लगा दीजिए। तो आप ये टिप हमेशा से यूज़ कीजिए, इससे आपकी बॉटल क्लीन रहेगी। और मेरी टिप नंबर 5 ये है कि रसोई में हम कभी भी काम करते हैं तो हमारे पास बहुत समय बच जाता है, सब्ज़ी बनाते हैं, सब्ज़ी बन रही है, दूध गर्म हो रहा है, चाय बन रही है, तो हमारे जितने भी बॉक्स होते हैं, कंटेनर होते हैं हमारे पास, तो मेरे कंटेनर ये क्लीन है सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ, तो आप उस समय में इन कंटेनर को, सारे नहीं 2-3 कंटेनर क्लीन कर सकते हैं। मेरी रसोई ओपन है तो इसलिए मुझे ये डेली में ही क्लीन करने पड़ते हैं, कैबिनेट नहीं बन रहे हैं तो मुझे ये डेली में ही बॉक्सेस क्लीन करने पड़ते हैं। तो 2-3 बॉक्सेस आप रोज़ क्लीन कीजिए, आपको बाद में क्लीनिंग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इसको हमेशा से करती हूँ, हमेशा से, तो मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती रसोई का काम करने में, मुझे कभी भी दिक्कत नहीं होती, मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ रसोई के काम को। और मेरी टिप नंबर 6 है वो ये है कि न्यूज़पेपर सभी के घरों में होते हैं, न्यूज़पेपर को जैसे मैं कट कर रही हूँ वैसे कट कर लीजिए। तो मैंने ये सारे न्यूज़पेपर कट कर लिए हैं और जितने चाहें आप उतने कट कर लीजिए और जिस साइज़ में आपको कट करने उस साइज़ में कर लीजिए। और ये हुक आते हैं, ये किसी भी हार्डवेयर की शॉप पे आपको इजीली मिल जाएंगे और पीछे इनके स्टिक होता है, आप इसको वॉल पे स्टिक कर सकते हैं। वॉल पे स्टिक करने के बाद आप इसमें न्यूज़पेपर को हैंग कर दीजिए और कभी भी आपको यूज़ करना हो एक पेपर निकालिए और इसका यूजमेंट कर लीजिए। आप कील का भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं सब्ज़ी वगैरह जो भी मेरा काम होता है, मतलब चॉपिंग का, मैं इसी पे ही न्यूज़पेपर पे ही रखती हूँ और जो भी होता है कचरा फोल्ड करके मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। ये एक क्लीन रैप है, टिप नंबर 7 मेरी जो है ये क्लीन रैप है, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, ये काफ़ी अमेजिंग है। ये फूड रैप है, आप इससे फूड भी रैप कर सकते हैं। तो मैं इसका यूज़ कुछ अपने आरओ पे करती हूँ, मैंने ये ट्रिक करके देखी थी, तो ये मैंने इसके ऊपर पहले से ही लगा रखी है
ये पन्नी मैंने इस पर पहले से काफ़ी टाइम से लगा रखी है, आप देख सकते हैं इस पर कितना डस्ट है, हाथ नहीं जाता, ऊपर है तो मैं रोज़ में क्लीन नहीं कर पाती हूँ, तो मैं ये पूरी इसकी पिन्नी जो इस पर पॉलीथीन लगी हुई है वो मैं हटा दूँगी, क्योंकि मुझे दूसरी अप्लाई करनी है। और देख सकते हैं आप कि कितना क्लीन है, इसको निकालने के बाद मैंने पूरी निकाल दी, देख सकते हैं कितनी गंदी हो रही है, ये इस पर कितना डस्ट है, और अब इस पर बिल्कुल भी मैंने इसे क्लीन किया तो डस्ट नहीं था। तो अब मैं इसको इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी और ये अप्लाई इजीली हो जाती है, ये बहुत जल्दी इस पर मतलब इसको एकदम से स्मूथली हो जाती है। तो ये मेरी पॉलीथीन इस पर लग चुकी है, तो इससे क्या है मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, मेरी रसोई ओपन है तो बहुत जल्दी धूल मिट्टी इस पर आ जाती है और ऑयल वगैरह जम जाता है, तो मैंने ये ऊपर नहीं लगाई है, मैंने इसको ऊपर लगाया है, नीचे नहीं लगाई है मैंने। आप चाहें तो इसको नीचे भी लगा सकते हैं, बस मुझे ऊपर ही ज़रूरत थी तो मैंने इसको ऊपर लगाया। मेरी टिप नंबर 8 जो है वो ये है कि मैं हमेशा से रात को थोड़ा सा गुनगुना पानी करती हूँ, और मैंने ये एक बकेट बना रखा है, इसमें डालती हूँ पानी को और फिर इसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डालती हूँ, लिक्विड या आप ड्राई जो भी आप डिटर्जेंट यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालती हूँ। बेकिंग सोडा सभी के घरों में होता है और सभी लोग इसका काफ़ी यूज़ करते हैं, और ये जो मेरे रात के जितने भी कपड़े होते हैं क्लीनिंग के, और मैं इनको इसमें भिगो देती हूँ, और मेरे जो स्क्रॉच ब्राइट हैं जितने भी होते हैं वो भी मैं इसमें डिप करके रख देती हूँ रात भर, और दिन में मैं इनको धूप दिखा देती हूँ। तो और मेरी टिप नंबर 9 जो है वो ये है कि ये एक मशीन का ऑयल है, ये ऑलमोस्ट सभी के घरों में होता होगा मशीन का ऑयल, जो लोग सिलाई करते हैं उनके घर में तो होता ही होगा, ये हार्डवेयर की शॉप पे भी इजीली मिल जाता है, 20 रुपीज़ का आता है। तो मैंने इसका यूज़ कुछ अलग तरीके से किया, तो मेरे ये कुछ हॉल हैं गेट के, और ये ना गेट मेरा बहुत आवाज़ करता है बहुत ज़्यादा, कभी कभी मैं इससे डर भी जाती हूँ इसकी आवाज़ से, तो मैंने इसका यूज़ इसमें किया, इसके जितने भी हॉल हैं मैंने इसकी 2-3 ड्रॉप इस इनके हॉल में अप्लाई की, जितने भी इसके हॉल थे मैंने इन सब में इनकी 2-3 ड्रॉप अप्लाई कर दी। तो इससे क्या है ना कि मेरा डोर आवाज़ करना, मेरे डोर ने बिल्कुल बंद कर दी बिल्कुल, अब मेरा डोर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता है, जैसे कि ताले वगैरह होते हैं आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, 10 मिनट बाद ही बिल्कुल मेरे डोर ने आवाज़ करनी बिल्कुल बंद कर दी। तो आप इस ट्रिक को भी यूज़ करके देखिए। और मेरी 10वीं जो टिप है, लास्ट टिप, वो ये है कि मोस्टली बेडशीट हम ऐसे ही फोल्ड करके रख देते हैं, तो मैं इसको हमेशा से, मेरा शुरू से ही यही है, मैं इसी तरीके से इसे तय करती हूँ, फोल्ड करती हूँ सॉरी, तो मुझे कभी भी प्रेस करने की ज़रूरत फील नहीं होती, मैं अच्छे से हाथ से ही इसको प्रेस करती हूँ, और उसके बाद मैं इसको इस तरीके से कुछ फोल्ड करके रखती हूँ, थोड़ा सा मुझे समय लगता है पर मुझे बाद में दिक्कत नहीं होती, और मेरा स्पेस भी कम घिरता है, और मैं पिलो कवर को भी ऐसे ही फोल्ड करती हूँ और इसी के अंदर पिलो कवर रखती हूँ, ताकि मुझे बेडशीट जब भी मुझे अपने बेड पे बिछानी होती है तो मुझे इजीली मिल जाती है, मुझे दिक्कत नहीं होती। आप भी ये ट्रिक यूज़ करके देखिए, कुछ लोग तो ये आई थिंक ये ट्रिक यूज़ भी करते होंगे। तो ये मेरी ट्रिक थी, आई होप आपको मेरी सारी टिप्स अच्छी लगी हों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।